सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है राशि आपकी। आइए आज फिर से शुभारंभ करते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम का और आपको बताते हैं क्या कहती है आपकी राशि। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों को शुभ फल की प्राप्ति होगी जो आपके लिए फलदायी साबित होगा। कार्यों में अधीरता और आक्रामकता दिखेगी। अपने भीतर चल रही उथल पुथल और असमंजस के कारण आपको निर्णय लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में महत्वपूर्ण निर्णयों का टालना बेहतर होगा। रिश्तों में प्यार और रोमांस बना रहे इसके लिए आपको प्रयास करने होंगे। आप संवेदनशील और भावनात्मक प्रकृति के साथ हर रिश्ते के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण रखेंगे। वृषभ राशि। व्यवहार या योजना से बचें। काम के दबाव से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आप में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा। पेशेवर मामलों के प्रति आपका ध्यान अधिक केंद्रित होगा और आप अपने करियर को नए मुकाम पर ले जाने के लिए मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। वरिष्ठों और गुरुजनों के आशीर्वाद से आपको सफलता मिल सकेगी। भागीदारों के कार्य और जीवन साथी के साथ आत्मीयता बेहतर रहेगी, लेकिन विवाहितों को जीवन साथी से संबंधित बातों को लेकर चिंता हो सकती है। इस अवधि में आप दूसरों की मदद करने का प्रयास करेंगे। मिथुन राशि। पेशेवर मोर्चे पर अधिक सक्रियता की संभावना है। निजी और पारिवारिक संबंधों में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपकी वाणी की कठोरता संबंधों में तनाव का कारण बन सकती है। पेशेवर जीवन की बात करें तो आप जुनून और उत्साह के साथ काम करेंगे और आपको इसका सकारात्मक परिणाम भी मिलेगा, लेकिन उत्साह में आकर कोई ऐसा काम ना करें जिससे मन दुखी हो। अत्यधिक भोजन करने से बचें। जिन लोगों को मधुमेह और मोटापे से जुड़ी समस्याएं हैं उन्हें अधिक सावधानी बरतनी होगी। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए समय अभी अच्छा चल रहा है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। प्रेम संबंध बढ़ेंगे। नौकरी पेशा लोगों को भी महीने के बीच में आर्थिक लाभ मिल सकता है। व्यापार बढ़ाने के बारे में आप सोच रहे हैं तो यह समय अभी अच्छा है। यदि आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस महीने ये पूरा हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सिंह राशि। सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी। बिजनेस और नौकरी में प्रतियोगी आपसे पीछे रहेंगे। कोई शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा। हालांकि सावधानी रखनी जरूरी है। आपका ध्यान संतान को अभ्यास पर टिका रहेगा। आप भविष्य को लेकर किसी योजना को बनाने में व्यस्त रहेंगे। समय आपके पक्ष का बना हुआ है। किसी छोटी यात्रा या पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम भी बन सकता है। परिजनों के बीच इस सप्ताह सामंजस्य बना रहेगा। अटका हुआ धन आपको मिल सकता है। कन्या राशि। आप योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। जॉब या बिजनेस के लिए की गई आपकी यात्रा सफल होगी। थोड़ी अशांति हो सकती है। घर में माता, बहन या पत्नी के साथ आपके मतभेद उभर सकते हैं। स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा। कोर्ट कचहरी के काम में आपको दिक्कत हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को काम में असंतोष रहेगा। आपको अपनी मेहनत का लाभ उतना ज्यादा नहीं मिल पाएगा। आप हर काम को अपनी समझ से करें। शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। मजबूती बनाए रखें। तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कई घटनाएं होंगी। आपके जीवन में कई बदलाव हो सकते हैं। रिश्तों में कुछ तनाव हो सकते हैं। विवाहितों का किसी बात पर जीवन साथी के साथ वाद विवाद हो सकता है। अपने अहम को खुद पर हावी न होने दें। संबंधों में परेशानी हो सकती है। हालांकि बाद में स्थिति में सुधार होगा।
आप उत्कृष्ट संबंधों का आनंद ले सकेंगे। आप पहले से ही पेशेवर मोर्चे पर प्रतियोगियों या विरोधियों द्वारा उत्पन्न परेशानियों का सामना कर रहे हैं। दोस्तों या भाई बहनों के साथ संबंधों में किसी बात को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को पिछले लंबे समय से भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अब उन्हें इससे निजात मिलेगा। अपनी स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। विपरीत लिंग के दोस्तों के साथ आपको रिश्तों में अनिश्चितता या तनाव महसूस होगा, लेकिन जल्द इससे निजात मिलेगी। हालांकि आर्थिक मोर्चे पर आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेंगे। आपके रिश्ते में अधिक परिपक्वता आएगी और एक दूसरे के प्रति समर्पण के साथ ही मीठी नोकझोंक से संबंधों में घनिष्ठता बनी रहेगी। धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत उत्साहजनक रहेगी। किसी भी काम को साहसपूर्ण करने से उसमें सफलता मिलेगी। गर्दन और आँख से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन परिवार में थोड़ी खटपट हो सकती है। पारिवारिक सदस्यों के बीच असंतोष उत्पन्न हो सकता है। इसमें मन उखड़ा उखड़ा महसूस होगा। अपने व्यस्त समय में से थोड़ा समय निकालकर परिवार के साथ व्यतीत करें। इस संघर्षपूर्ण स्थिति से आप धीरे धीरे बाहर निकल सकेंगे। मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह सुखकारी प्रतीत होगा। पहले की अपेक्षा आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार होगा। उच्च शिक्षा के लिए आपके विदेश जाने के योग बन रहे हैं। आपके पारिवारिक और आपके वैवाहिक जीवन के सौहार्दपूर्ण होने के योग हैं। पारिवारिक सदस्यों के साथ आपके रिश्ते अधिक मधुर और बेहतर होंगे। आर्थिक क्षेत्र में आपका समय अच्छा है। प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। अचानक धन लाभ के योग हैं, लेकिन खर्च भी होगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले बड़ों की सलाह जरूर लें। करियर से संबंधित कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन का प्रतिफल मिलेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा साबित होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो आप धीमी लेकिन स्थिर गति से आगे बढ़ेंगे। जो लोग पहले से ही रिलेशनशिप में हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझ अपने पार्टनर का ध्यान रखेंगे। आप विपरीत लिंग के दोस्तों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होंगे। ऐसे में खुद को अनैतिक संबंधों से बचाना होगा। मित्रों के साथ संबंधों में आप उत्साही रहेंगे। आपको यात्रा के दौरान या किसी खतरनाक काम, खेल आदि के दौरान सावधान रहना होगा, अन्यथा चोट लग सकती है। आर्थिक पक्ष की बात करें तो इस दौरान आय से अधिक खर्च होगा और आप अपने ऐशो आराम पर अत्यधिक खर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की। इस सप्ताह प्रेम संबंधों में आत्मीयता बनी रहेगी और आप में रोमांस की भावना उत्पन्न होगी। जो लोग पहले से संबंधों में नहीं हैं, वे नई शुरुआत कर सकते हैं। ये समय आपके लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं है, लेकिन आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आप मिलने वाले लाभों के प्रति अनिश्चित होंगे। मौज मस्ती और लग्जरी जीवन शैली पर काफी खर्च करेंगे। आपको अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अधिक खर्च करना पड़ सकता है। भाग्य का थोड़ा सा साथ मिलने के कारण आप आर्थिक रूप से बेहतर महसूस कर सकते हैं। आपकी अनिश्चितता के कारण आपको खर्चों को लेकर योजना बनानी होगी। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप हमें दें इजाजत। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।